हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। तो आपको पता है आज का दिन जो है वो कौन सा है? तो आज का दिन जो है वो बहुत ही स्पेशल दिन है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आज का डे कौन सा है वो और वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज की जो डेट है वो है 1 मई। ओके, तो हम जहाँ पे रहते हैं यानी हमारा जो स्टेट है गुजरात, तो उस गुजरात स्टेट का यानी गुजरात राज्य का आज स्थापना दिवस है। तो आज हम लोग जानेंगे कि गुजरात की स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। गुजरात को महापुरुषों की धरती कहा जाता है। यहाँ महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं ने जन्म लिया है। विशाल अरब सागर इसकी भूगोलीय सीमा है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा अरब सागर स्थित है। गुजरात राज्य के उत्तर में राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य, दीव दमन और दादरा नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है और अहमदाबाद यहाँ का सबसे बड़ा नगर है यानी सिटी है। अब हम जानेंगे गुजरात का स्थापना दिवस वो क्या है। ओके, तो 1 मई को यानी 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्र होने के समय यह प्रदेश मुंबई का एक अंग था। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। महाराष्ट्र की स्थापना को 50 साल पूरे हो गए। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई को मनाया जाता है यानी गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। यह दोनों राज्य यानी गुजरात और महाराष्ट्र कभी मुंबई का हिस्सा हुआ करते थे। तो अब हम जानेंगे गुजरात का इतिहास, ठीक है। तो कहा जाता है कि लगभग 2000 साल पहले जब यादव हिंदू भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर जा बसे थे, तब इसके द्वारका प्रवेश द्वार कहा गया था। बाद में वर्षों बाद मौर्य, गुर्जर, प्रतिहार, सोलंकी, गुप्त तथा मुगल जैसे अन्य शक्तिशाली राजवंशों ने इस प्रदेश पर राज किया। गुर्जर राजवंश चालुक्य का शासनकाल गुजरात में प्रगति का युग था। ओके, अभी हम गुजरात का स्थापना दिन आगे हम लोगों ने जाना उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, ठीक है। तो 1 मई गुजरात राज्य के लिए स्थापना दिवस का प्रतीक है। इस दिन 1960 में हुआ था कि बॉम्बे के पूर्ववर्ती राज्य भाषाई आधार पर विभाजित थे और दो राज्य अर्थात गुजरात और महाराष्ट्र अस्तित्व में आए। अक्सर पश्चिमी भारत का गहना कहा जाता है। गुजरात प्राचीन काल से वैश्विक मानचित्र पर है। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात के बारे में भी यूनानियों को पता था। गुजरात को आधिकारिक रूप से वर्ष 1960 में गुजरात राज्य के लिए विचार के बाद वर्ष 1928 में कुमार नामक पत्रिका में सामने आया था। लेखक और स्वतंत्रता सेनानी के एम मुंशी यानी कन्हैयालाल मुंशी ने सबसे पहले महागुजरात नामक एक अवधारणा का सुझाव दिया। यह गुजरात राज्य साहित्य सभा के दौरान एक बैठक में लिया गया था जो वर्ष 1937 में कराची में आयोजित की गई थी। गुजरात के मानचित्र को पहली बार शिवजी परमार की एक कविता के आगे एक पत्रिका में देखा गया था जिसका शीर्षक था उर्थुत्रिस जगत। तो गुजरात ने ब्रिटिश राज के दौरान कराची और मुंबई के व्यवसायों में एक प्रमुख भूमिका निभाई। राज्य की प्रमुख कृषि उपज में कपास, मूंगफली, गन्ना और दुग्ध उत्पाद शामिल थे। राज्य में लगभग 18,000 गाँव 24 घंटे बिजली के ग्रिड से जुड़े हुए हैं। ज्योतिर्गा के साथ राज्य में योजना खेतों को भी विद्युतीकृत किया गया है। तो 2010 में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों की फोर्ब्स की सूची में चेंगदू और चोंगकिंग के बाद नंबर 3 पर अहमदाबाद शामिल था। गुजरात महात्मा गांधी और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का गृह राज्य है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से है। उन्होंने लगातार 3 बार राज्य में सफलतापूर्वक शासन किया है। तो अभी हमें पता चला कि गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई, उसका इतिहास क्या है। तो ये हमें पता चला कि गुजरात राज्य की स्थापना 1960 में
पहली मई को की गई थी। ठीक है, तो ये था गुजरात का स्थापना दिवस। ओके बच्चों, थैंक यू।